अजमेर जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। अजमेर में शुक्रवार को एक बार फिर 7 मामले सामने आए हैं। अजमेर के सेंट फ्रांसिस अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के साथ ही 4 नर्सिंग कर्मी और HMT कॉलोनी के 2 सदस्यों के साथ ब्यावर निवासी 2 व्यक्ति भी कोरोना वायरस पॉजिटिव सामने आए हैं। अजमेर CHMO डॉक्टर KK सोनी ने बताया कि अजमेर में अब तक 400 से अधिक कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं, लेकिन केवल 49 एक्टिव केस अब तक बचे हैं। तमाम मरीजों को राहत दी जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर पर्याप्त इलाज की व्यवस्था की गई है, जिससे कि वह स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच सके। अजमेर में अब तक 12 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की मौत सामने आई है। सर, आंकड़ा कहां तक पहुंचा कोरोना का, आज कितने हैं? आज हमारे अब तक 7 पॉजिटिव केसेस आ चुके और 400 का हमारा जो आज पॉजिटिव केसेस टोटल कुल संख्या हो चुकी है, और इसके अंदर एक्टिव केस हमारे 49 हैं। बाकी अधिकांश हमारे ठीक होके घर जा चुके हैं और वर्तमान के अंदर JLN के अंदर भी और कोविड केयर सेंटर मिला के दोनों में 49 पेशेंट्स हैं। साथ ये जो आज 7 आए, इनके भी 4 तो हमारे स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ, एक हमारे वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट है नर्सिंग होम में वो हैं, और 2 हमारे जो कल बैंक का भी पॉजिटिव है उनके साथी हैं 2, जो अजमेर से बिलोंग करते थे।